हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइल ट्रांसफ़र की। जनरली हमारे साथ बहुत बड़ा ऐसा होता है कि हम यूएसबी केबल भूल जाते हैं या फिर हमारा यूएसबी केबल ख़राब हो जाता है, काम नहीं करता, और हमें बहुत इंपॉर्टेंट फाइल पिक्चर को ट्रांसफ़र करनी होती है जो हम बिना यूएसबी के नहीं कर पाते। तो इसका सॉल्यूशन है, जनरली मैं जिसके एप्लीकेशन की बात कर रही हूँ वो है एयरड्रॉइड। ये आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा, आप उसे ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है। बस इसमें एक्स्ट्रा फीचर भी हैं, वो पेड के लिए है बट ट्रांसफ़र करने के लिए फ्री बहुत है। तो आप बस इसे ओपन कीजिए और इसमें आप साइन इन करिए लॉग, और हाँ, जो साइन इन लॉग इन और क्रेडेंशियल आप यहाँ करेंगे वही साइन इन और उसी लॉग इन और क्रेडेंशियल से आपको अपने सिस्टम में भी साइन इन करना पड़ेगा, और उसके बाद आप इजीली कनेक्ट हो जाएंगे बिना किसी बार के अपने सिस्टम के साथ। आपको करना कुछ नहीं है, बस इसे ओपन कर देना है साइन इन करके, और अपने सिस्टम में इसे सर्च कर लेना है। एक बार आप वेब ब्राउज़र पे टाइप करेंगे आ जाएगा लॉग इन एयरड्रॉइड वेब। वहाँ वेब से इजीली लॉग इन करके यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आप अपने मोबाइल के सारे एप्लीकेशन को अपने सिस्टम से आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हो। कुछ भी, कोई भी पिक्चर सिस्टम से मोबाइल में या फिर मोबाइल से अपने सिस्टम में ट्रांसफ़र करना आसान है। तो बाकी का काम हम अपने सिस्टम में देखेंगे। तो चलिए हम अपने सिस्टम पे चलते हैं और वहाँ, और मेक श्योर कि जब भी आप डाउनलोड करें तो अपने आपके सेल में ये एप्लीकेशन ओपन हो, तो आप इजीली अपने मोबाइल के डेस्कटॉप को उससे एक्सेस कर सकते हो। अब मैं अपने सिस्टम पे आ गई हूँ। यहाँ पे मुझे बस एयरड्रॉइड टैप करना है और यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ गया लॉग इन एयरड्रॉइड वेब। अब मुझे करना क्या है, अपने मोबाइल में इसे ओपन रखना है और साथ ही साथ जिस यूज़र नेम पासवर्ड से मैं अपने सिस्टम में लॉगिन की हूँ वही यूज़र नेम पासवर्ड से मुझे अपने मोबाइल में भी लॉगिन करना है। दोनों का लॉगिन क्रेडेंशियल सेम है। सो एक बार क्लिक कर, ओके, अब ये कनेक्ट हो गया। अब मैं इजीली कोई भी फाइल, फोल्डर, पिक्चर आराम से ट्रांसफ़र कर सकती हूँ अपने मोबाइल से लैपटॉप में और लैपटॉप से मोबाइल पे। इनफैक्ट अच्छे खासे फाइल साइज तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बहुत चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो, सेटिंग मोबाइल, इनफैक्ट पूरा का पूरा मोबाइल आप अपने लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि आप मोबाइल की चीज़ें उठा के आप किसी की चीज़ उठा के कहीं भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं आपको ट्रांसफर करके देखा। तो ये कुछ फाइल है, दो फोटो है, मैंने पूरे, अगर आप चाहें तो सब और सेलेक्ट करके पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपको अगर सिस्टम में डालना है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। एक बार आप डाउनलोड कर दोगे ये जिप फाइल में डाउनलोड हो जाएगा और आपके सिस्टम में आ जाएगा और आप एक्सट्रैक्ट करके आराम से इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप अपने सिस्टम से उठा के कुछ अपने फ़ोन में डालना चाहते हो उसके लिए आपको अपलोड फोल्डर पे क्लिक करना है और वहाँ से अपने फाइल को अपलोड कर देना है। देख सकते हैं ये डाउनलोड भी हो गया है, बहुत ही आसान है, आप किसी से भी आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हो। सो थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और आपके काम का भी होगा। So thanks for watching this video.